एक गांव में शेरू नाम का एक प्यारा कुत्ता और मुनमुन नाम की एक चतुर बिल्ली रहती थी। शेरू और मुनमुन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। शेरू को लगता था कि बिल्लियां बहुत शरारती होती हैं और मुनमुन को लगता था कि कुत्ते बहुत शोर करते हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। शेरू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसने देखा कि मुनमुन बारिश में भीगते हुए किसी सूखे जगह की तलाश कर रही थी। शेरू को मुनमुन पर तरस आ गया और उसने उसे अपने घर के बरामदे में आने का इशारा किया। मुनमुन ने पहले झिझकते हुए देखा, लेकिन फिर शेरू के पास आ गए। दोनों ने बरामदे में बैठकर बातें शुरू की। शेरू ने मुनमुन से कहा, तुम इतनी चुपचाप क्यों रहती हो? मुनमुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे शांत रहना पसंद है और तुम्हें दौड़ना और भौंकना। दोनों हंस पड़े। वो दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अब मुनमुन शेरू के साथ खेलने आती और शेरू उसे हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता। कभी वो उसे अपनी दौड़ लगाने वाली ट्रिक्स सिखाता तो कभी मुनमुन उसे धीरे धीरे चलना सिखाती। शेरू और मुनमुन की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, अगर कुत्ता और बिल्ली दोस्त बन सकते हैं तो हम सब भी आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं।